बेकारी का जमाना था, तो जसवंत साहब के साथ कभी कभार बास के सेट्स पे चला जाता था। तो वहां मेरी मुलाकात गुरुदत्त जी से हुई, तो राज खोसला ने मेरी ओपिनियन इनवाइट की उस सीन पर, जब एक सीन करना है, चेंज करना है। गुरुदत्त को ये कॉम्प्लेक्स था क्योंकि ही वॉज फ्रॉम मैंगलोर कोंकणी, तो उन्हें कॉम्प्लेक्स था, कोई जबान ज्यादा जानते नहीं। तो राज ने मुझे कहा कि तुम जरा कुछ राय दो, कुछ तो सीन का कुछ मुझे खाका समझाया, जिसपे मैंने कुछ अपना राय दी राज खोसले को। उस पर पता नहीं क्या असर हुआ, उसका उसी का नतीजा था कि गुरुदत्त ने कुछ दिनों के बाद, वो सुनते रहे जो मैंने जो राय दी, तो मुझे बुलवा भेजा जसवंत के थ्रू। तो गुरुदत्त ने मुझे राइटर बना दिया, कहा नहीं आप लिख सकते हैं आर पार, यूं हमने लिखी। तो हर कैरेक्टर को, जिसे इंग्लिश में कहें कि एक इंडिविजुअलिटी, एक एंटिटी के, अब अपने जॉनी वॉकर वो बम्बई के पारसी हैं, अब उनकी जबान सुनिए, एक जगह वो कहते थे हम तो मेरे को पहले ही बोला इधर से चलो नहीं करके, तुम इधर ले आया, भागने का नो रास्ता, बचने का नो चांस। अब इस टाइप का उनका लैंग्वेज थी, तो टिपिकल पारसी लैंग्वेज। हीरो जो कालू उसका था, वो समझ लीजिए सदर्न मध्य प्रदेश का है, मेरे माइंड में मैंने ऐसा फिक्स किया कि वो वहां का होना चाहिए, तो उसको एक खास अंदाज दिया बातचीत का, उसको खास एक लहजा दिया। मैं नहीं कहता, यार लोग कहता, यारों का, अपने लिए यारों का कहता है। मेरा ख्याल है कि आर पार से हम लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में मॉडर्न राइटिंग का ट्रेंड शुरू किया है, जो अब आजकल की फिल्मों में आप देखेंगे बहुत बम्बईया जबान चल रही है या डिफरेंट जबानें चल रही, पहले ये नहीं होता था। पहले जैसे मैं कह चुका आपसे कि ये बड़ी ड्रामाई थिएट्रिकल लैंग्वेज और उस किस्म की होती थी। कम्युनिस्ट कहते थे जी नहीं कार्टूनिस्ट, अब कार्टूनिस्ट भी कम्युनिस्ट हो सकता है, तो एक सिर्फ अल्फाज के जो फोनेटिक पनिंग है वो तो है, उसकी स्पीड है, सब कुछ है, धड़ से रिपार्टी के तौर पर वो आता है, और उसमें एक बात है, थॉट भी है उसमें। हीरो जो है ना प्रीतम गुरुदत्त का जो कैरेक्टर है, तो अनीता से उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो विलन ऑफ द पीस है, ऑन्टी जो उसकी है सीता देवी, तो कार्टून बनाता है। वो कार्टून आर के लक्ष्मण ने बनाया था, द टॉप कार्टूनिस्ट ऑफ इंडिया, उनको किसी तरीके से हम लोग लाए थे, तो एक्चुअली जो हैंड है वो इट इज आर के लक्ष्मण हैंड। तो आइडिया भी आर के लक्ष्मण का था कि साहब वो रोमन चैरियट पर वो व्हिप लिए हुए और खड़ी हुए, रोमन टोगा पहने हुए लिए हुए, जैसे लेके टॉर्च ऑफ लिबर्टी, बस उसके बाद वो कंसीव किया वो सीन। जी हाँ, अब वो जी हाँ के डिफरेंट जो शेड्स जो, तो मैंने कहा एक वर्ड रिपीट करा है उसी में ऑडियंस उसके मजा लेगी, तो ये पूरा सीन ऐसे किया था। लास्ट में सिर्फ एक डायलॉग बोलता है, अदरवाइज थ्रू आउट द सीन जी हाँ कह रहा है, ऑडियंस लुत्फ ले रही है, उसके चौथे या पांचवें जी हाँ में थिएटर में बहुत हंसी होने लगी थी। लास्ट में जाके एक डायलॉग बोलता, जब वो कहती है जल के बोलते हो तुम इस काबिल नहीं हो कोई शरीफ इंसान तुमसे बात करे, अब मेरा वकील तुमसे अदालत में बात करेगा, तब वो कहता आपके, आपके वकील साहब शरीफ नहीं है क्या? ओह प्यासा कि पहले से प्यासा के जमाने से, प्यासा के बाद से ये हो गया था कि बस इधर की बात करते थे, उधर की बात करते थे, काम भी करते थे, लेकिन काम ज्यादा करते थे, दोनों को काम से प्यार था, उन्हें भी हमें भी, तो सिंसियरली कुछ, और एक नशा सा आता था कुछ नई बातें सोच के, कुछ ये करके, और जिसे अपने यहाँ की जबान में कहते हैं, बम्बई की जबान में ट्यूनिंग हो गई थी बहुत अच्छी, उनके साथ मिजाज मिल गए थे, टेम्परामेंट मिलते थे, दोनों के कुछ अंश कुछ शेड्स ये कागज के फूल में जो सुरेश और प्यासा का जो विजय है, ये थे दोनों कैरेक्टर थे। कुछ शेड इसके भी गुरुदत्त में थे, कुछ शेड उसके भी थे। जैसे इंट्रोवर्ट, बहुत जबरदस्त इंट्रोवर्ट है कैरेक्टर, गुरुदत्त बहुत इंट्रोवर्ट थे, तो वो जो इंट्रोवर्ट कैरेक्टर दैट वाज गुरुदत्त, तो गुरुदत्त के थे जो लास्ट में जो उन्होंने भी जो द वे लेफ्ट द वर्ल्ड, वो भी था थोड़ा सा, इंट्रोवर्ट नहीं होते तो जिंदा रहते। अपना जहां तक उसके प्रिंसिपल्स का सवाल था और थॉट का, फिलॉसफी का सवाल था, वो डिफिटिस्ट एटीट्यूड से मैं एग्री नहीं करता था।
फाइट द सिस्टम। कहाँ छोड़ के जाओगे? जहाँ भी जाओगे तुम्हें यही लोग मिलेंगे, यही समाज मिलेगा, यही वैल्यूज मिलेंगे, यही सिस्टम मिलेगा। कहाँ जा रहे हो? फिर भी चला जाता है। गुरुदत्त से हमारा काफी डिस्कशन हुआ था मेरा, बट आई वॉज ओवर रूल्ड भाई। हम लेकिन मेन चीज जो साहबी गुलाम में लगी, इट वॉज द डिकेडेंस ऑफ द फ्यूडल सोसाइटी एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। पहले क्या था, फ्यूडल सोसाइटी जकड़े हुए थी, उसमें ऑपरेशंस थे, यानी यहां तक था उनके नॉर्म्स, उनकी जो वैल्यूज बन गई थी, इट वॉज एक्सेप्टेड। दूसरे क्या था कि उस जमाने में अब सर्ज ऑफ बिजनेस क्लास शुरू हुआ था, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। फ्यूडल सोसाइटी का डिकेडेंस और ये जो मारवाड़ी बिजनेसमैन और ये लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ये माइंस लेने लगे, उसमें एक सीन है कि ये तो फ्यूडल डिकेडेंस में माइंस खरीद रहे हैं यार, दे डोंट, उनको क्योंकि फ्यूडल तो जमीनें तो कहीं जा नहीं सकती हैं, वहां तो खेती होती रहेगी। अब माइंस में आपको देखना पड़ेगा कि भाई उसमें कोयला है कि नहीं है, और वो साहब जब कोयला खरीदने माइंस खरीद रहे हैं तो कागज पे ब्लाइंडली दस्तखत कर दिए, कबूतरबाजी कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं कबूतर, उड़ा रहे हैं, सारा ध्यान उस पे कि अपना एक कबूतर दुश्मन तोड़ के ना ले जाए, और ये टूट रहे हैं सारी, यानी कि उसमें सब पत्थर ही निकला बाद में जो बर्बाद होते हैं, क्योंकि वो फ्यूडल डिकेडेंस ऐसी थी कि वो बिजनेस के लिए जो अलर्ट माइंड चाहिए, जो मेहनत चाहिए, वहां तो ये है कि दिन भर सो और रात को तफरी करो जाके वहां कोठों पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टराइजेशन, और आई डोंट थिंक वो रस्टिक टाइप का वो कैरेक्टर विच वॉज क्लोजर टू गुरुदत्त, और उसको थोड़ा सा लाइट शेड, नॉवल में उतना लाइट नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा एकदम कंट्री हो कल एकदम खिरैया देहाती बताया। जब मैं शाम को 6:30 बजे पहुंचा वहां, तो अपने सीन, लास्ट सीन इसका बारे फिर भी आएंगे तो उसका डिस्कस कर रहे थे, वो लिख रहा था मैं। ड्रिंक उन्होंने 5 बजे शुरू कर दी थी, बहुत ज्यादा मॉर्बिड थिंकिंग थी, क्या बताऊं, बहुत लंबी बातें हैं काफी, तो बहुत मॉर्बिड थिंकिंग थी, लेकिन वो डिस्कस करते थे, मैं तो आई वॉज इन्वॉल्व इन द सीन, वो डिस्कस कर रहा था, वो बहक जाते थे थोड़ा थोड़ा, कुछ इधर की बातें करते थे, कुछ पागलपन की बातें करते थे, एक दोस्त का जिक्र करने लगे कि एक दोस्त का जिक्र जो पागल खाने में उसका लेटर आया है, वो कैसे, वो कहता लेटर से बिल्कुल पागल नहीं रहता, फिर हल्के से जबान से निकल गया, अब तो ऐसा लगता है कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मैं कैसी बातें कर रहे हैं, आप क्यों पागल होंगे? तो ही वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। 1 बजे रात तक मैं उनके साथ था, खुले नहीं, एंड इफ आई हैड नोन ही इज गोइंग टू डू दैट मैड थिंग, तो मैं उन्हें छोड़ के आता भी नहीं। मैं समझा ठीक था, मैं तो आई वॉज सो इन्वॉल्व इन फिनिशिंग द सीन, लास्ट सीन। उसके पहले रात को खाना खाने के उन्होंने नहीं खाया, उन्हें कहा इफ यू डोंट माइंड आई विल लाइक टू रिटायर।